वहीं धनबाद में सुरक्षा इन दिनों राम भरोसे चल रही है। करोड़ों खर्च कर तैयार की गई व्यवस्था पिछले 6 महीने से ठप पड़ी हुई। नतीजा ये है कि अपराधियों को वारदात करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। प्रशासन के लापरवाह रवैये पर देखिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। किसके जिम्मे में है धनबाद की सुरक्षा? क्या हुआ तीसरी आंख का? प्रशासनिक उदासीनता का शिकार हुई आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था। 6 महीने से बंद है तीसरी आंख। बंद पड़ी व्यवस्था का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। अपराध के बढ़ते ग्राफ के बीच धनबाद की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर शहरी क्षेत्र में वर्ष 2017 में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अपराध पर नकेल कसने के उद्देश्य से क्राइम कंट्रोल रूम भी बनाया गया। तीसरे आंख की मदद से पुलिस प्रशासन ने शहर के सड़कों पर नजर रखना शुरू किया और कुछ ही समय में क्राइम में कमी देखने को मिली। लेकिन देखते ही देखते सुरक्षा व्यवस्था प्रशासनिक उदासीनता का शिकार हो गई। सीसीटीवी सिक्योरिटी का आलम यह है कि 116 कैमरे में से एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा है। बस इतना ही नहीं, 5 करोड़ की लागत से बना कंपोजिट कंट्रोल रूम भी धूल फांक रहा है। अब इस कुव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है इसका किसी को पता नहीं। भारत न्यूज 24 ने जब पुलिसकर्मियों से बात करना चाहा तो वो टाल मटोल करते दिखे। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हम मौजूद हैं धनबाद के श्रमिक चौक पे। यहाँ खड़े होने का मुख्य कारण यह है कि जैसा कि आप पीछे विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे, धनबाद शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे जो कि हर एक चौक चौराहों पर आपको लगी हुई नजर आ रही होगी, इसमें आपको बता दें कि यह जो तीसरा आंख है जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन को काफ़ी सहयोग करता है। जब अपराधी शहर के बीचों बीच अपराध की घटना को अंजाम देते हैं तो इस तीसरे आंख के माध्यम से प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज कैद करने में काफ़ी आसानी होती है जिससे अपराधियों को पकड़ा जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश धनबाद की दुर्दशा अभी यह है कि आपको बता दें कि धनबाद शहर में सीसीटीवी कैमरे जो है पिछले 6 मंथ से अधिक समय से अंधकार में डूबे हुए हैं। 2017 में जो सरकार थी उसने धूमधाम से यहाँ पे कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया था और पूरे सीसीटीवी के निगरानी को लेकर कंट्रोल रूम बनाए गए थे, लेकिन अभी वहाँ की हालात यह है कि सभी कंट्रोल रूम पूरी तरह से बंद हैं। एक भी वहाँ पे जो सिस्टम है वह कार्यरत नहीं है। वहाँ पे मौजूद आला अधिकारी इस विषय पे कहने से भी बच रहे हैं। और इस पर जब हमने जिला प्रशासन और यहाँ के नगर निगम अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की तो वो एक दूसरे पर पल्ला फेंका फेंकी करते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी तापेश के साथ मैं अंबर कलश, भारत न्यूज 24 धनबाद। इस पर सीधे लाइव जुड़ेंगे हम अंबर कलश हमारे संवाददाता से धनबाद से। तो ये जो पूरी व्यवस्था है यहाँ पर ठप पड़ी हुई है, जिस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे रोड पर, यहाँ पर तरह तरह के यहाँ पर जो रोड है यहाँ पर इन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन ये अभी पिछले 6 महीने से बंद पड़े हैं जिस कारण अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है यहाँ पर घटना को अंजाम देने में। तो इस पर प्रशासन क्या कर रही है अंबर? जी देखिए अनिकेत, इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि कोयला नगरी कहे जाने वाला कोयलांचल जो है हमारा धनबाद, वो अपने आपराधिक गतिविधियों के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहा है। ऐसे में धनबाद के चौक चौराहों पर 5 करोड़ से अधिक रुपए के लागत खर्च करके जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वो कार्यरत ही नहीं है। ये तीसरे आंख के रूप में कार्य करता है जिससे सीधे तौर पर प्रशासनिक विभाग को भी जितने भी जो बड़ी अपराध की घटना होती है उसको सुलझाने में काफी मदद होता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा पिछले 2021 वर्ष में इसी जुलाई के महीने में जिला जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई जांच जो हुई थी उसमें यही तीसरे नेत्र का दिन था जिसके माध्यम से उस पूरे केस के अनुसंधान को सुलझाने में जिला पुलिस को काफी मदद मिली थी। लेकिन अब इसे धनबाद का दुर्भाग्य कहें कि ऐसे हालात में भी धनबाद में कुल 116 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं लेकिन वो कार्यरत नहीं है। 2017 में आपको ज्ञात होगा कि बीजेपी सरकार के द्वारा यही के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के नेतृत्व में काफी धूमधाम से सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया था जिसमें पूरी निगरानी बनाई जा रही थी। साथ ही हम अगर पिछले जितने भी आपराधिक घटना हो उसमें चाहे भाजपा नेता सतीश सिंह हो, साथ ही जितने भी सभी मामलों अगर हम उसको खंगालते हैं तो देखा जाएगा कि ये सीसीटीवी की मदद का सीधे तौर पर प्रशासन को इसकी मदद का फायदा मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसकी देखभाल के लिए जो जमशेदपुर की
मैपन कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, वह सीधे तौर पर यह कहना है सभी अधिकारियों का और इस पूरे मामले पर यह कहना है कि जो टेंडर है वो ना होने के कारण यह पूरे रूप से ठप हो चुका है। वही आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हो कि जब हम भारत न्यूज 24 की टीम धनबाद सीसीटीवी कैमरे के जो कंट्रोल रूम है वहां पे पहुंची तो वहां का दृश्य हमें भी देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि करोड़ रुपए के लागत से हर एक चौक चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे एक डब्बे के रूप में बने हुए हैं। वहां पे एक भी कंट्रोल रूम में सिस्टम कार्यरत नहीं है, ना ही वहां पे कोई भी आला अधिकारी मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि धनबाद में इन दिनों जो आपराधिक गतिविधियों के हालात है उसमें आप देख सकते हैं कि चैन छिनतई के मामले हो या फिर जितने भी आपराधिक रेशियो उसमें सदैव बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही 24 घंटे के अंदर की हम बात करें तो व्यापारिक वर्ग जो है वो एसएसपी और डीसी से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें धनबाद जिले में डर का माहौल हो गया है, अगर ऐसी हालात होगी तो वह जिला से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में जिले में जितने भी चौक चौराहों पर आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक डब्बे के रूप में बना हुआ है। और आपको साथ ही यह भी बता दें कि इस पूरे मसले पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हो, नगर निगम के अधिकारी हो, जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो वह सीधे तौर पर अपना पलड़ा झाड़ते हुए दिख रहे हैं। अनिकेत, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, प्रशासन क्या कर रही है? जिस तरीके से यहाँ पर करोड़ों की जो लागत से लगाया गया था सीसीटीवी कैमरा वो धूल फांक रही है, लेकिन इस पर जिला प्रशासन क्या कर रही है, जो आला अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि इस तरीके से जो अपराधी है बेखौफ है, धनबाद एक क्राइम जोन बनता जा रहा है जहां लगातार गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, इस तरीके से 100 सीसीटीवी कैमरे जो है वो धूल फांक रहे हैं। इन कैमरों के माध्यम से अपराधियों को पकड़ा जा सकता है, लेकिन प्रशासन इस पर क्या कह रही है, प्रशासन का क्या कहना है आखिर? देखिए, इस पूरे मामले पर जब न्यूज भारत 24 की टीम नगर निगम भी पहुंची, वहां के आला अधिकारी सीधे तौर पर इस मसले पर कुछ भी बात करने से इतरा रहे हैं। प्रशासनिक विभाग के आला अधिकारी, हमने एसएसपी साहब से भी इस विषय में जानकारी लेने की कोशिश की थी, लेकिन हालांकि वो अपने वहां कार्यालय में मौजूद नहीं थे। लेकिन आपको सीधे तौर पर बता दें कि जिला प्रशासन को इस सीसीटीवी के मदद से उन्हें बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसे अनुसंधान को क्लियर करने में काफी मदद मिलता है। जज उत्तम आनंद हत्याकांड वाले मामले में जब सीबीआई जांच बैठी तो आपको बता दें कि एक सीसीटीवी फुटेज ही था जिससे सीधे तौर पर यह क्लियर हो गया था कि जो अपराधी द्वारा जो घटना घटाई गई थी, जो ऑटो चालक था जिसके द्वारा उत्तम आनंद की हत्या जो हुई थी, उस पूरे अनुसंधान में काफी मदद मिला था। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, जब हम पिछले कई सालों का रेशियो निकालते हैं धनबाद जिले का, तो इसमें आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि धनबाद जिले में जितने भी आपराधिक घटना आपको देखने को मिलते हैं उसमें इस तीसरे नेत का काफी बड़ा अहम भूमिका रहती है। और आखिरकार धनबाद जैसे शहर में जो कि हमेशा से आपराधिक गतिविधियों के कारण देश में सुर्खियां बटोरता है और इस पे पूरे सभी प्रदेश और देश की नजर रहती है, ऐसे में इस शहर में इस तरह के हालात, इस तरह की दुर्दशा काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ इस पूरे मसले पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं अनिकेत, सभी बसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां धनबाद को कोयले की राजधानी कहा जाता है, पूरे भारतवर्ष में धनबाद का नाम है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से सीसीटीवी कैमरा बंद होना कहीं ना कहीं अपराधियों को खुली छूट दे रहा है कि आप रोड पर आइए और यहां पर क्राइम कीजिए, क्योंकि जो तीसरी आंख है सरकार की वो बंद है। जी हाँ, बिल्कुल ये कह सकते हैं। अगर आप हम ज्यादा नहीं, अगर हम पिछले जैसे 6 महीने 8 महीने से ये बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज कैमरे बंद है, लेकिन हालांकि इसका रेशियो जो है ये और भी ज्यादा हो सकता है। आपको बता दें कि जब हम एक रेशियो निकालते हैं आपराधिक गतिविधियों की धनबाद जिले में, तो चैन छिनतई के मामले सिर्फ धनबाद शहरी क्षेत्र में जो है काफी ज्यादा बढ़े हैं। साथ ही साथ जो बड़े आपराधिक घटना है उसकी बात करें, उसमें अपराधियों के मन में पहले यह खौफ था कि शहरी क्षेत्र में वह अपराध करने के पहले उनके मन में डर रहता था कि सीसीटीवी कैमरे के अगर नजरों में वह आ जाते हैं तो सीधे तौर पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन सीसीटीवी कैमरे जो बंद पड़े हैं आज के डेट में, यही कारण है कि धनबाद के शहरी क्षेत्र में प्रत्येक दिन महिलाओं के साथ चैन छिनतई के मामले आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आप प्रत्येक दिन, आपको मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा कि हर एक दिन महिलाओं के साथ छिनतई के मामले हो रहे हैं, बड़े बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही बहुत से बार ऐसे हो रहे हैं कि जितने भी बड़े आपराधिक घटनाएं जब धनबाद जिला में घट रही है तो उसके अनुसंधान में काफी ज्यादा समय लग जा रहा है, जो कि बीच सड़क पर हो रही है, लेकिन अनुसंधान में समय लगने के पीछे कारण यही है कि जो तीसरा नेता है वो कार्यरत नहीं है और पुलिस को इसके जांच पड़ताल में काफी परेशानी हो रही है। और जब यह त्रिनेत्र खुलता है तो उसका सीधे तौर पर फायदा प्रशासन को होगा, लेकिन नगर निगम और जमशेदपुर की मैपल कंपनी जिसको इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, आपको बता दें कि जब इसका उद्घाटन हुआ था 5 करोड़ से अधिक की लागत रुपए इसके खर्च हुए थे, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर यह शून्य रहा और सभी आला अधिकारी इस पर अपने पल्ला झाड़ते हुए नजर आए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो किस तरीके से करोड़ों रुपए की लागत से लगे सीसीटीवी कैमरे धनबाद जिले में जो लगे हैं वो धूल फांक रहे हैं और आला अधिकारी भी इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं।